हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कहानी मैं अब आपको बताने वाला हूं वो पूरे दुनिया में सबसे रहस्यमयी, सबसे ज्यादा कोइंसिडेंसेस यानी इत्तेफाकों से भरी हुई एक रियल लाइफ स्टोरी है। सो एकदम इसे ध्यान से सुनना। 1940 में अमेरिका के ओहायो शहर में दो जुड़वा बच्चों को एडॉप्शन के लिए रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों जुड़वे एक दूसरे से सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी पर ही रहने लगे। और एक मजे की बात बताऊं, इन दोनों बच्चों का नाम उनके पेरेंट्स ने जेम्स ही रखा और उनका निक नेम था जिम, सेम टू सेम। लेकिन दिस इज नॉट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, उन दोनों जेम्स भाइयों का एक पेट डॉग भी था जिसका नाम भी दोनों भाइयों ने टॉय ही रखा। इसके अलावा इन दोनों जुड़वों ने दो बार शादी भी की और दोनों की पहली बीवी का नाम लिंडा था। और फिर अपनी अपनी लिंडास के साथ डाइवोर्स करके दोनों ने बेटी नाम की लड़की के साथ दोबारा शादी किया, अलग अलग। हाँ, इन दोनों जुड़वों को बाद में एक लड़का हुआ और इन दोनों ने उस लड़के का नाम, as you guessed it right, वापस से सेम जेम्स एलन ही रखा। इत्तेफाकों की भी कोई लिमिट होती है यार, इतने सारे इत्तेफाक दो जुड़वों के साथ कैसे हो सकता है। इन सारे इत्तेफाकों के साथ इन दोनों में और भी कई सारी सिमिलैरिटीज थी, जैसे दोनों एक शेवरोले की कार चलाते थे। अब जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, ये दोनों जिंदगी में कभी मिले भी नहीं एक दूसरे से, कभी देखे भी नहीं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी पूरी की पूरी समान ही बीती है। आई मीन, हाउ इज दिस पॉसिबल? सुनने में एक तरीके से जादू या कोई चमत्कार लगता है, राइट? लेकिन यू विल बी एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि इससे भी एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। 22 नवंबर 1963 को ली हार्वी ऑस्वर्ल्ड ने यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का कत्ल कर दिया। लेकिन इस घटना के कुछ ही महीने पहले ऑस्वर्ल्ड ने एक पब्लिक इंटरव्यू दिया जो कि कुछ ऐसा जाता है। और अभी जरा एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको जवाब देना है कि जब मैं एंड द फेयर प्ले फॉर क्यूबा इन शब्दों को रिवर्स करके प्ले करूंगा, तो आपको क्या सुनाई देता है? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस यानी कि इत्तेफाक था, या फिर ली हार्वी ऑस्वर्ल्ड का खुल्लम खुल्ला कन्फेशन था कि हाँ, मैं खून करने वाला हूँ? अब एक और सवाल आपके लिए, क्या कभी आपको ऊपर आसमान में बादलों को देखकर उसमें कुछ फेमिलियर चेहरे दिखते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जिसे आप पहचान पाते हो? एक नल से पानी बहने की आवाज के बीचों बीच क्या आपको कभी अपने फोन के रिंगिंग की आवाज सुनाई दी है? या इससे भी सिंपल, कभी कोई रैंडम चीजों में, फूलों में, बिल्डिंग्स में कभी कोई जाना पहचाना आकार या फिर चेहरा दिखाई दिया है? वेल, अगर आपका जवाब है यस, देन कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, क्योंकि आप एक हार्डकोर ह्यूमन सर्वाइवर हो। इस कंप्लीटली ह्यूमन टेंडेंसी को कहते हैं पैराइडोलिया। क्वाइट सरप्राइजिंगली ये चीज आपकी जान बचाती है। लेट मी एक्सप्लेन। अब मान लीजिए कि आप अंधेरे में चल के जा रहे हो और आपको वहां पर किसी अनजान आदमी की परछाई दिखाई देती है। अब देखने में तो वो परछाई जैसी दिख रही है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि वो वाकई में किसी इंसान की परछाई। So, अब आपके शरीर के सर्वाइवल यानी आपके जिंदा रहने के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद रहेगा? ऑब्वियसली उस परछाई को एक इंसान या फिर एक खतरा, एक थ्रेट समझने का, राइट? तो यहाँ पर आपका दिमाग असल में कर क्या रहा है? उन हिडन फिगर्स का कुछ तुक बनाने की कोशिश कर रहा है, इन्हें एक्टिवली प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके जितना एक्यूरेसी से हो सके और आपको जिंदा रख सके। हमारे दिमाग की इस आदत को कहते हैं एपोफिनिया। और जो ऑर्गेनिजम्स यानी जीव जंतु ये पास्ट में कर पाए वो आज जिंदा है, क्योंकि वो इसी विशेषता को यूज करके खतरों से अपने आप को बचा पाए और फिर उन्होंने ऑब्वियसली ज्यादा बच्चे पैदा किए और उन बच्चों में भी उस एपोफिनिया का जीन ट्रांसफर हो सका और आज वो जीन हम सभी में है। अब इमेजिन कीजिए एक एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस इंसान यानी जो अंधविश्वास से भरा पड़ा है, राहुल किसी ज्योतिष या फिर टैरोट कार्ड रीडर के पास जाता है, वो ऐसी अंधविश्वासी कलाओं में बहुत विश्वास रखता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि राहुल उस ज्योतिष की बताई गई सारी बातों से या एटलीस्ट मेजॉरिटी बातों से
रिलेट कर पाएगा। और इसका सबसे पहला रीजन तो खुद राहुल का इस कला पर अटूट विश्वास है, क्योंकि वो इन चीजों को मानता है। उसका दिमाग नेचुरली ये चाहेगा ज्योतिष की बताई गई जो भी बातें हैं वो सच साबित हो। सो अब वो क्या करेगा, वो उस ज्योतिष की बताई गई बातों में अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को खुद अपनी खुद की इच्छा से ढूंढ निकालेगा। पर ऑफ कोर्स उसके कॉन्शियस दिमाग को ये बात अब तक नहीं पता है, ये सिर्फ एक खेल है जो उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है और उसे ये भ्रम दिखा रहा है। उसके लिए तो इस ज्योतिष ने बिल्कुल सही बातें बोली है और इसे कहते हैं द कंफर्मेशन बायस। आसान भाषा में अगर आप खुद से कोई चीज को देखना चाहते हो तो आपका दिमाग कैसे ना कैसे करके आपको वो चीज दिखाएगा, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करके निकालेगा। और इसके अलावा एक दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है द लॉ ऑफ नियर इनफ। ये लॉ ये बताता है कि इन ज्योतिषों के ज्यादातर वाक्य एकदम धुंधले से और अस्पष्ट से होते हैं। वाक्य जैसे, वैसे तो आप बहुत ही शांत प्रवृत्ति के हो, लेकिन जब आपका मूड करे तो आप लोगों के सामने खुल भी सकते हो। अरे रे रे, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आपका आपके किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम होने वाला है, आपके किसी पिता समान, और फिर चाहे वो आपके पिताजी हो या फिर आपके अंकल या फिर कोई आपका बड़ा भाई, उनको छाती की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अब ये सारे वाक्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और इसीलिए आपकी जिंदगी में जो भी चीज होगी आप उससे उस ज्योतिष की गई भविष्यवाणियों को ही लिंक करोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को आपके किसी भाई को हल्का सा भी चेस्ट पेन होगा, जो कि कई बार सर्दी जुखाम में होना आम बात होती है, तो आपका दिमाग इसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा और आपका विश्वास उस ज्योतिष में और ज्यादा मजबूत बना देगा। फ्रेंड्स, एक और सवाल, क्या लगता है आपका एक मीटियोराइट स्ट्राइक से मरने के एक इंसान के क्या चांसेस होंगे? एनी गेसेस? 1 in 16 lakh। बट एक बहुत ही विचित्र सा केस नेशनल ज्योग्राफिक ने रिपोर्ट किया। फ्रांस में एक फैमिली पर एक ऐसा कॉमेट गिर पड़ा जो अंतरिक्ष में पिछले 4.5 बिलियन ईयर्स से घूम रहा था बिना किसी भी चीज से टकराए। और क्या आप उस फैमिली का लास्ट नेम जानना चाहोगे? वेल, उनका लास्ट नेम था कॉमेट। I'm just speechless. क्या ये कोई चमत्कार से कम है? Actually, हाँ। डेविड जे हैंड के द्वारा लिखी गई थी प्रोबेबिलिटी लिवर बुक के अनुसार जो भी चीजें ऑन एवरेज रेयर होती है या जब आप सारे पॉसिबिलिटीज को कंपेयर करोगे तब रेयर है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कम रेयर होती है। अब जरा इस कहानी को सुनिए। ये है एंजो फरारी, फाउंडर ऑफ दी वेरी फेमस इटालियन कार कंपनी फरारी। इनकी मौत 1988 में हुई थी और उसी एग्जैक्ट ईयर में ये पैदा हुए थे, मेसुट ओजिल, एक जर्मन फुटबॉलर। वेल, व्हाट आर द ऑड्स फ्रेंड्स, वो क्या कहते हैं उसे, करोड़ों में एक, राइट? पर क्या सच में ये करोड़ों में एक है या फिर बहुत ही रेयर है? वेल, Not again. इसके लिए भी मेरे पास एक परफेक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हाँ, माना ऐसा होना बहुत ही रेयर है, राइट? लेकिन इसमें द लॉ ऑफ लार्जर नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहाँ दुनिया में हर रोज ऑन एन एवरेज 16 लाख लोग पैदा हो रहे हैं और 15 लाख लोग मर रहे हैं हर रोज। हाँ, अब जरा एक साल के आंकड़े को कैलकुलेट करके देखो तो यहाँ पर कई सालों में एक एंजो फरारी और मेसुट ओजिल जैसा कोई अनोखा सा केस आ जाए, ये बिल्कुल भी रेयर नहीं है। जहाँ रोज हजारों लाख को लोग अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हैं, वहां पर वंस अगेन जॉर्डन और रायन जैसा कोई केस अनोखा नहीं है। रायन और उसकी बीवी जॉर्डन जब एक दिन मिलकर जॉर्डन के बचपन के कुछ वीडियोस देख रहे थे, तब उन्होंने एक वीडियो में कुछ विचित्र सा देखा। उन्होंने वीडियो को पॉज किया, दोबारा से प्ले किया एंड यस, Guess it right? ये लड़का रायन है। किसने सोचा था कि इस दिन से 16 साल बाद रायन और जॉर्डन की शादी होगी और फिर घर जाके एक दिन वो ये वीडियो देखेंगे। Truly a coincidence, right? लेकिन कई बार कुछ coincidences थोड़े सैड से भी होते हैं। द वेरी फेमस टाइटैनिक नाम की एक जहाज जो एक आइसबर्ग को टकरा कर डूब गई, इसकी कहानी तो कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है कि इस क्रूर हादसे की भविष्यवाणी एक्चुअली में पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी थी? वेल, मिस्टर मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक फैंटेसी राइटर ने टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले ये नोवेला नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक जहाज के डूबने की कहानी बताई थी और क्वाइट सरप्राइजिंगली उस कहानी में उस जहाज का नाम टाइटन था। और टाइटन भी टाइटैनिक की तरह नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। और इसके अलावा जैसे
जैसे टाइटैनिक में लाइफ बोट्स कम पड़ गए थे, उसी तरह टाइटन में भी यही हाल था। सो अब आपके हिसाब से ये क्या था, एक कोइंसिडेंस या फिर हमारे रॉबर्ट भाई कोई ज्योतिष थे? वेल, अपना जवाब हमारे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करना। लेकिन मैथ्स के हिसाब से अगर आप ऐसे ही कोइंसिडेंस ढूंढने लगो और साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप इनफ इंटरेस्ट दिखाते हो, तो आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग उस्ताद ब्रेन हर एक चीज में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकाल दिखाएगा। एक क्लासिक एग्जाम्पल, अगेन ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये इत्तेफाक है इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच, जो कि दोनों यूएस के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। दोनों प्रेसिडेंसी के लिए एक ऐसे साल में चुने गए जिसका अंत 60 से होता है। दोनों का कत्ल हुआ था, दोनों के नाम में 7 लेटर्स हैं, और इनफैक्ट दोनों के कातिलों के नाम में भी 15 लेटर्स हैं। और ऐसे कई सारे कोइंसिडेंसेस मिलते भी रहेंगे अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो। किसी भी दो इंसान के बीच कोई भी सिमिलैरिटीज निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। आई मीन, तुम नेम लेंथ का एग्जांपल ले लो यार, कितने सारे नेम 7 लेटर्स के होते हैं, आदर्श, आंचल, अभिजीत, एटसेट्रा एटसेट्रा। यार इस दुनिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें डेली होती रहती है, और इनफैक्ट इस पे एक बहुत ही फेमस कैलकुलेशन भी है जिसे कहते हैं द लिटिल वुड्स लॉ। और इस लॉ के कैलकुलेशंस के अनुसार अगर आप ये बात को एज्यूम करें कि कोई भी सो कॉल्ड चमत्कार, मिरेकल या कोइंसिडेंटल इवेंट के होने में सिर्फ एक ही सेकेंड लगता है, और अगर आप अपने नॉर्मल वेकिंग आवर्स को कैलकुलेट करें जिसमें आप उठे होते हो, और अगर आप ये मान के चलो कि कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना आपके साथ होने की चांसेस 1 in 1 million है, तो मैथ्स के हिसाब से आपके साथ वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना हर 35 डेज में एक बार जरूर होगी। और ये आंकड़े तो सिर्फ आपके है, अब जरा इमेजिन करो दुनिया के 7 billion लोगों के क्या आंकड़े होंगे। So very well explained by Mr. Littlewood. Extraordinary things are actually quite ordinary. Percy Diaconis, एक American mathematician ने काफी खूब फरमाया कि एक truly unusual दिन वो होगा जिस दिन कुछ भी unusual नहीं होगा। यार बाकियों की बात तो छोड़ो, तुम्हारा इस धरती पे जन्म लेना सिर्फ और सिर्फ एक संयोग था, एक coincidence था, एक exact sperm cell को एक exact egg cell से मिलना ताकि तुम इस धरती पर जन्म ले सको, इसके chances पता है कितने होते हैं? और यही नहीं, ऐसा ही संयोग लाखों जनरेशन से होना पड़ा हमारे पूर्वजों से एटसेट्रा एटसेट्रा। और इनफैक्ट ये सब होने के लिए भी एक बहुत ही अनलाइकली इवेंट का होना इंपॉर्टेंट था, हमारे पृथ्वी का जन्म होना। With that said, thanks a lot for watching, friends. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल Get Supply Science को अभी सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के और जीनियस बनने के चांसेस को बढ़ा सके। See you in another science special video. Till then, keep watching, keep learning and keep growing. Jai Hind.